पिक्चर्स को एसोसिएट कर देते हैं। जैसे कि आप इस फिगर में देख सकते हैं, यहाँ परसेंटेजेस शो की भी हैं और थोड़ी सी मैम नो तो स्लाइड्स भी डिसलाइक। शो की। अब नजर आ रही है? नो नो मैम। मैम। आप देखिए, अब नजर आ रही है आपको स्क्रीन? यस मैम, पर अभी गैस अब हो गई है। ओके, द फर्स्ट थिंग दैट वी आर स्टार्टिंग हियर इज द टेक्सचुअल मैसेजेस। ठीक है, तो मैं आपको बता रही हूँ कि इसमें अगर आप फिगर में देख सकते हैं तो यहाँ डिफरेंट परसेंटेजेस शो की हुई है, उसके साथ थोड़ा सा टेक्स्ट लिखा हुआ है। आप देख सकते हैं आइकन्स बने हुए हैं, कलर्स का इस्तेमाल किया गया है जो कि आपके टेक्सचुअल मैसेज को इन्हेंस कर रही है। ठीक है, तो हम एक कॉम्बिनेशन यूज़ करें, इसको हम इन्फोग्राफिक्स भी कहते हैं। तो हमने इसमें क्या किया है, हमने टेक्सचुअल मैसेज को ऑटोमेटिकली इन्हेंस कर दिया है बाई यूज़ ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग्स जो कि आपके इमेज को पावरफुल बना रहे होते हैं। सेकेंड रीजन या पावर ऑफ इमेज क्या है कि आप रिप्लेस कर रहे होते हैं वर्बल मैसेज को। ठीक है, जैसे कि आप लोगों ने एक फ्रेज सुना हुआ है कि पिक्चर इज वर्थ 1,000 वर्ड्स। ठीक है, तो वो एक पिक्चर आप किस एंगल से ले रहे हैं, किस मकसद से ले रहे हैं, ठीक है, आपका एम क्या है, आपका पर्पस क्या है, आपने किस चीज़ को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, ठीक है, तो वो ऑटोमेटिकली आपके वर्बल मैसेज को शायद रिप्लेस कर सके। जैसे हम देख सकते हैं कि आपने अक्सर सोशल मीडिया पे पिक्चर देखी होगी कि जिन एरियाज में ड्राउट आता है या फिर माइन होता है, वहाँ क्या किस तरह के लोगों के लिविंग कंडीशंस होते हैं, उनके हेल्थ कंडीशंस क्या होते हैं। वो एक पिक्चर कोई इस तरह की ली जाती है ऑफ द एनिमल, ऑफ द पीपल, ऑफ द सिचुएशन देयर, और वो वायरल हो जाती है। उसका रीजन ये होता है कि वो पिक्चर इज वर्थ 1,000 वर्ड्स देयर, राइट? तो इसी तरीके से आपके जो वर्बल मैसेज हैं वो समटाइम्स रिप्लेस हो जाते हैं जब आप इस तरह का एक सेल्फ एक्सप्लेनेटरी किस्म का इमेज यूज़ कर रहे होते हैं। ओके, नेक्स्ट, जब आपने कन्वे करने होते हैं कम्प्लेक्स इन्फॉर्मेशन को, जब आपके पास बहुत सारा डेटा अवेलेबल है लेकिन आपको लगता है कि अगर आप वर्ड्स की फॉर्म में लिखेंगे तो वो उस तरह मीनिंग नहीं लेकर आएगा जिस तरह के एक पिक्चर या एक इमेज लेकर आ सकते हैं। जैसे आप इधर देख सकते हैं, आपके सामने एक बार चार्ट बना हुआ है जो कि COVID-19 की ग्रोथ और डिक्लाइन से रेलेवेंट है, राइट? ये कम्प्लेक्स इन्फॉर्मेशन को शो कर रहा है कि डिफरेंट एरियाज में कितनी परसेंट जो है वो इंक्रीज या डिक्लाइन आया है इन दी COVID-19, राइट? तो ये कॉम्प्लेक्स इन्फॉर्मेशन है क्योंकि डेली के हिसाब से ये डेटा चेंज हो रहा है हर कंट्री का, राइट? तो उसको केटर करने के लिए, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए उन्होंने इस तरह जो है वो इमेज का इस्तेमाल किया हुआ है। अब इमेज को प्लीज ध्यान में रखें, इमेज इज नॉट ओनली अ पिक्चर, इट कुड बी अ बार चार्ट, इट कुड बी अ ग्राफ, इट कुड बी अ पिक्टोग्राम। ठीक है, हम आगे सारी चीज़ें स्टडी करेंगे, ये सारी चीज़ें इमेजेस में शामिल होती हैं। नेक्स्ट रीजन ऑफ यूजिंग इमेजेस इज टू होल्ड द ऑडियंस अटेंशन। ठीक है, अब जो भी कंपनी कोई पिक्चर या कोई किसी प्रोडक्ट या सर्विस की बनाती है या मार्केट करती है, वो जस्ट फॉर होल्डिंग द ऑडियंस अटेंशन। ठीक है, आप अपने इर्द गिर्द भी देखेंगे, जब आप किसी मेन रोड से गुजर रहे होते हैं, आप बिलबोर्ड्स देखते हैं, कलरफुल होते हैं, उसका साइज बहुत एनलार्ज होता है ऑफ द फिगर्स। ठीक है, उसमें टेक्स्ट जिस तरह का इस्तेमाल किया जाता है होता है, तो वो क्या हो रहा होता है, वो ऑडियंस की अटेंशन को ग्रैस्प करने के लिए इस्तेमाल की जा रही होती हैं सारी चीज़ें। समटाइम्स आप सेलिब्रिटी को प्लेस कर रहे हैं, समटाइम्स आप कार्टून्स उसमें शो कर रहे हैं। अब आपने देखना है आपकी ऑडियंस को आप कैसे टारगेट कर सकते हैं। तो जब आप इमेजेस का इस्तेमाल करते हैं, कलर स्कीम्स का इस्तेमाल करते हैं, वो आपकी ऑडियंस को अटेंशन आप उसकी एब्जॉर्ब कर सकते हैं अपनी तरफ। नेक्स्ट, कनेक्ट विद डाइवर्स ऑडियंस। अब जैसे हम ऑडियंस के बारे में पीछे कुछ चैप्टर्स में काफ़ी दफ़ा पढ़ चुके हैं कि आपकी ऑडियंस हमेशा डाइवर्स होती है जब आप टारगेट करते हैं इन अ फॉर्म ऑफ अ बिजनेस। ठीक है, उसका एज ग्रुप फर्क हो सकता है। ठीक है, एज ग्रुप के साथ साथ जो है आप देख सकते हैं डिफरेंट स्टेटस से बिलोंग कर सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा डिफरेंट जियोग्राफिकली वो डिस्पर्स हो सकते हैं। तो डाइवर्सिटी ऑफ ऑडियंस किसी भी वे में हो सकती है। ठीक है, फोर काइंड ऑफ, जिस तरह हम कहते हैं कि आप डाइवर्सिटी को मेजर कर सकते हैं, इट कुड बी बिहेवियरल, इट कुड बी यू नो साइकोग्राफिक, इट कुड बी जियोग्राफिकल। तो आपने देखना है कि आपकी जब भी डाइवर्स ऑडियंस है, आप किस तरह का ऐसा एक न्यूट्रल सा इमेज यूज़ कर सकते हैं कि आप सारी ऑडियंस को एक ही टाइम पे केटर कर सकें। जैसे COVID-19 के टाइम पे KFC ने अपना एक लोगो जो है वो डिज़ाइन किया, सॉरी, उनका जो स्लोगन था, इट्स फिंगर लिकिंग गुड, जो कि उनका पेटेंट एक स्लोगन जो कि वो इस्तेमाल करते हैं
COVID-19 के आने के बाद क्योंकि बिजनेसेस बहुत इफेक्ट हो रहे थे, तो उन्होंने उस चीज़ को केटर करने के लिए क्या किया कि उन्होंने अपने स्लोगन को ऑल्टर किया। ठीक है, आप यहाँ देख सकते हैं कि जो फिंगर लिखन था उसको उन्होंने क्रॉस आउट कर दिया, क्योंकि ऑब्वियसली हमारे प्रिकॉशनरी मेजर्स जो है उसको वो यूज़ करना है। ठीक है, तो उसमें हमें पता है कि जो है वो हमें अवॉइड करना है, इफ़ यू आर नॉट क्लीन, इफ़ यू आर नॉट सैनिटाइजिंग तो ऑटोमेटिकली योर हैंड कुड बी डेंजरस फॉर यू। ठीक है, तो उसको उन्होंने कनेक्ट करने के लिए डाइवर्स ऑडियंस के साथ, क्योंकि एवरीबडी इज फेसिंग दिस इशू, उन्होंने इस तरह का जो है वो स्लोगन को ऑल्टर किया है। दिस इज़ अ पावरफुल इमेज जो कि दिस वॉज वन ऑफ द फर्स्ट इनिशिएशन डन बाय एनी रेस्टोरेंट फॉर COVID-19 आफ्टर द बिजनेस इज रिज्यूम्ड। नेक्स्ट, जो आपके इमेजेस हैं अगर वो कॉनोटेटिव मीनिंग होल्ड करते हैं तो वो ज़्यादा इम्पैक्टफुल होते हैं। कॉनोटेटिव मीनिंग का जो है मकसद ये होता है कि जब आप कोई इमोशनल एस्पेक्ट, जिस तरह के आपके फीलिंग्स, आपके इमोशंस, या अगर आप कल्चरल एस्पेक्ट को यूज़ करते हैं टू सेल योर प्रोडक्ट और टू मार्केट योर प्रोडक्ट और सर्विस, तो आपका ऑटोमेटिकली आपकी ऑडियंस ज़्यादा कैप्टिवेटेड हो जाती है। जैसे कि आपने देखा है कोको कोला की जो कैंपेन शुरू हुई थी, शेयर अ बॉटल, ठीक है, या शेयर अ कोक विद यू नो अ फ्रेंड, और उसके अलावा आप देख सकते हैं हर मार्केट में वो डिफरेंट वेज में गई थी। कुछ में नाम आना शुरू हो गए थे, कुछ में जैसे आप देख सकते हैं रिलेशनशिप विद डैड का किया हुआ है कि आपने डैड का यहाँ टर्म दे दिया। दिस इज़ बेसिकली शोइंग अ कॉनोटेटिव मीनिंग। ठीक है, तो आप जब इमोशनल अपील ऐड कर देते हैं टू योर इमेजेस तो ऑटोमेटिकली वो ज़्यादा इम्पैक्टफुल होते हैं। सो दीज आर द सिक्स मोस्ट कॉमन रीजन जो कि एक इमेज को पावरफुल बना सकते हैं और आपको यूज़ करने चाहिए पावरफुल इमेजेस जब भी आप रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्रेजेंट। कैन यू सी द नेक्स्ट स्लाइड? नो मैम, नो मैम, वो भी कुछ नहीं। अब आ रही है आपके पास? यस मैम। अच्छा ठीक है, ओके जी। सेकंड चीज जो हम आज पढ़ेंगे दैट इज एवोल्यूशन हुई है जो बिजनेस कम्युनिकेशन में विजुअल मीडियम की। ठीक है, उसको हम थोड़ा सा देखेंगे कि किस तरीके से विजुअली इवॉल्व हुआ है आपकी इमेजेस एंड पिक्चर्स इन बिजनेस कम्युनिकेशन। सबसे पहला एवोल्यूशन आया है आपकी टेक्नोलॉजी में। ठीक है, जैसे कि आप टेक्नोलॉजी में देख सकते हैं कि एवोल्यूशन बेस्ड अपॉन नॉट जस्ट द सॉफ्टवेयर बट ऑल्सो द इक्विपमेंट जो कि इस्तेमाल किया जाता है, उसकी वजह से अभी आपकी टेक्नोलॉजी बहुत अपडेटेड हो गई है। सबसे पहली चीज़ इसमें आती है कि आपका इनएक्सपेंसिव इक्विपमेंट इज़ रेडली अवेलेबल इन द मार्केट। ठीक है, ऑल काइंड ऑफ कैमराज, ठीक है, सपोर्टिंग एक्सेसरीज, उसके अलावा इक्विपमेंट आपके पास है जिसके थ्रू आप पिक्चर्स एंड वीडियोस बना सकते हैं एट एनी टाइम। ठीक है, और ना भी हो अगर आपके पास ये सारा स्पेशलाइज्ड इक्विपमेंट तो यू हैव मोबाइल फोन्स जो कि इतने एम्ड और इतने अपडेटेड हैं कि आपको ज़रूरत नहीं पड़ती बहुत सारी चीज़ों को खरीदने की। आप एक सिंगल अच्छी डिवाइस के थ्रू भी अच्छी यू नो पिक्चर्स जो है वो बना सकते हैं, वीडियोज़ बना सकते हैं। सो जनरली वो एक इनएक्सपेंसिव चीज़ ही समझी जाती है जब हम चेंजिंग टेक्नोलॉजी की टर्म्स में बात करते हैं। सेकेंडली, ईज ऑफ एक्सेस हो चुका है टू वर्ड्स एडिटिंग एंड प्रोडक्शन सॉफ्टवेयर ओवर गूगल प्ले स्टोर एंड एप्पल स्टोर। आप देख सकते हैं आपके पास मल्टीपल सॉफ्टवेयर अवेलेबल हैं ओवर मोबाइल फोन। अगर आप देखें तो आप फ्री भी आपको हैं, कुछ लाइसेंस्ड हैं, ठीक है, आप सर्टन अमाउंट पे करते हैं, बहुत मिनिमम सा चार्ज होता है और आप अपनी सर्विस अवेल कर सकते हैं। ठीक है, ये तो एक कॉमन मैन के लिए चीज़ है कि आपके पास घर बैठ के एक सर्विस अवेलेबल है जो कि एवोल्यूशन इन टेक्नोलॉजी है। ठीक है, जिसके थ्रू आप अपनी इमेजेस को इनहेंस करें, उसमें वॉट एवर यू वॉन्ट टू ऐड इमोजीज। ठीक है, तो आप अपने विजुअल्स को ज़्यादा इम्पैक्टफुल बना सकते हैं, अपनी पिक्चर्स को, अपनी वीडियोस को ज़्यादा इम्पैक्टफुल बना सकते हैं बाई दीज चेंजिंग टेक्नोलॉजीज, राइट। दूसरा ये कि उसके अलावा भी जो कंपनीज ने सॉफ्टवेयर वगैरह इंट्रोड्यूस किए हुए हैं वो भी इतने इजी टू यूज़ हैं कि आप उनको आराम से यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि प्रोफेशनल पर्सन तो आप उनका आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं बिकॉज दे आर रेडिली अवेलेबल। थर्ड चेंजिंग टेक्नोलॉजी, इट्स टाइम एंड कॉस्ट इफेक्टिव। पहले ऑब्वियसली हर बंदे के पास ये स्किल नहीं होती थी टू यूज़ दिस काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर, क्योंकि वो बहुत स्पेशलाइज सॉफ्टवेयर होते थे, लोगों को इतनी अवेयरनेस नहीं होती थी, राइट। तो बहुत टाइम लगता था और कॉस्ट लगती थी। आप अगर एक
देख सकते हैं आपके अगर बचपन में या उससे पहले भी अगर हम टाइम देखते हैं तो पासपोर्ट साइज पिक्चर जो है वो पोलोराइड्स बनाए जाते थे, उनको डेवलप किया जाता था, तो इट यूज टू टेक टाइम, ठीक है, 30 मिनट्स, 41 आवर, समटाइम्स अ डे अगर हम बहुत पीछे चले जाएँ तो. वो क्या है कि टाइम एंड कॉस्ट इफेक्टिवनेस नहीं थी वहाँ. लेकिन आजकल क्या होता है कि आपके पास टाइम, मिनिमम टाइम में आप मैक्सिमम जो है वो अपना काम कर सकते हैं, पोस्ट प्रोड्यूस कर सकते हैं, उसको पोस्ट एडिट कर सकते हैं, इट्स कॉस्ट इफेक्टिव टू. ठीक है, तो ये एक चेंजिंग टेक्नोलॉजी है जो कि बिजनेस कम्युनिकेशन में आई है. सेकेंड चीज़, ऑडियंस की स्किल्स. अब विद टाइम क्या हुआ है कि अगर हम लास्ट आज तक का टाइम देखते हैं, लोगों की रीडेबिलिटी स्किल्स या रीडिंग स्किल्स जो हैं वो रिड्यूस हो गई हैं. ठीक है, जिसकी वजह से आप देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा राइज आप देख सकते हैं कि स्नैपचैट, इंस्टाग्राम, ठीक है, पिंट्रेस्ट जैसी वेबसाइट्स एंड एप्लीकेशंस आर एट बूम. उसमें सिर्फ क्या हो रहा होता है कि आप पिक्चर्स के थ्रू स्टोरी रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं या वट एवर यू वॉन्ट टू शेयर, तो आप पिक्चर्स के थ्रू कर रहे होते हैं और उसमें यू नो लिमिटेड अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन जो कि आप राइट डाउन कर रहे होते हैं, कोई कैप्शन दे रहे होते हैं. दिस इज़ जस्ट बिकॉज के फ्रॉम लास्ट 15 ईयर्स लोगों की रीडिंग स्किल्स हैव रिड्यूस्ड और जस्ट बिकॉज ऑफ द सोशल मीडिया का जो बूम है या टेक ओवर है, लोग ऑटोमेटिकली विजुअल्स की तरफ ज़्यादा जाना शुरू हो गए. तो ऑडियंस की स्किल्स जो हैं वो आपने अंडरस्टैंड करनी है, आपकी ऑडियंस की स्किल्स हैव चेंज नाउ, राइट? तो उसके हिसाब से कंपनीज ने कैसे एडजस्ट करना है, दैट इज़ बाय रिप्रेजेंटिंग थिंग्स विजुअली. थर्ड चीज़ है ऑडियंस की एक्सपेक्टेशंस. ठीक है, अब विजुअल इन्वायरमेंट में एवरीबडी इज़ ग्रोइंग. जैसे आप लोगों की एज की अगर मैं बात करती हूँ या आपसे छोटे जितने बच्चे हैं, कॉलेज गोइंग, स्कूल गोइंग, दे आर लर्निंग एंड ग्रोइंग इन टू अ विजुअल इन्वायरमेंट. ठीक है, जिस तरह के गेम्स वो खेलते हैं या जिस तरह वो आपस में इंटरेक्ट करते हैं, ठीक है, वो विजुअल इन्वायरमेंट में ग्रो कर रहे हैं, तो आपका ब्रेन ऑटोमेटिकली उसी तरीके से ट्यून हो जाता है. ठीक है, बाय नेचर ह्यूमन ब्रेन हैज़ यू नो फोटोग्राफ, आपको पिक्चर ज़्यादा याद रहेंगी, कलर्स ज़्यादा याद रहेंगे एज कम्पेयर टू समथिंग जो कि टेक्सचुअल फॉर्म में होती है. ठीक है, और ये चीज़ आजकल ज़्यादा प्रैक्टिस भी की जा रही है. तो ऑडियंस की एक्सपेक्टेशन भी विजुअल इन्वायरमेंट होती है. ठीक है, विजुअल इमेजेस या इंप्रेशंस होते हैं जिसकी वजह से ज़्यादा लोगों की एक्सपेक्टेशन या बिजनेसेस से होती है कि वो विजुअल वे में चीज़ों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, क्योंकि वो आपकी तो सिंगल क्लिक अवे होती है और दूसरा ईज ऑफ एक्सेस होता है. ठीक है, और ज़्यादा इंप्रेशन लास्टिंग. फोर्थ एवोल्यूशन जो कि बिजनेस कम्युनिकेशन में आया है वो विजुअल लिटरेसी है. विजुअल लिटरेसी इज़ जस्ट लाइक कि आप कंप्यूटर लिटरेट होते हैं, आपको पता है कंप्यूटर कैसे ऑन करना है, कैसे ऑफ करना है, इंटरनेट कैसे कनेक्ट करना है, वेबसाइट्स को कैसे एक्सेस करना है, दिस इज़ बेसिकली कंप्यूटर लिटरेसी. विजुअल लिटरेसी इज़ द सेम थिंग कि व्हेन यू हैव द एबिलिटी दैट यू कैन क्रिएट इमेजेस, यू कैन टेक इमेजेस एंड वीडियोस, उसको एडिट कर सकते हैं, उसको कैसे आप अपनी प्रेजेंटेशन में यूज़ कर सकते हैं, मार्केटिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं, रिप्रेजेंटेशंस के लिए यूज़ कर सकते हैं, दिस इज कॉल्ड एज विजुअल लिटरेसी एंड नियरली एवरीबडी टुडे हैव दिस लिटरेसी. ठीक है, एट अ गुड परसेंटेज. ठीक है, आपके पास, सबके पास मोबाइल फ़ोन है, कैमरा वाले, आप सब पिक्चर्स लेना जानते हैं. ठीक है, आपके पास डिफरेंट सॉफ्टवेयर हैं, आप उनको इंटरप्रेट कर सकते हैं पिक्चर्स को. ठीक है, उनको एडिट कर सकते हैं, उन पर कैप्शंस, टेक्स्ट लिख सकते हैं, इमोजीज डाल सकते हैं. सो यू आर वेरी गुड एट विजुअल लिटरेसी, जिसकी वजह से अगेन दिस इज कॉल्ड एज द विजुअल एवोल्यूशन जो कि एग्जिस्ट कर रहा है, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन. ओके, नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज कि आपने विजुअल्स कैसे सिलेक्ट करने होते हैं व्हेन यू हैव टू प्रेजेंट अ डेटा. ठीक है, आपके पास, मैं आपको एक टेबल अभी शो कर रही हूँ, ये आपके सामने टेबल आपके सामने होगा इस टाइम. आप देख सकते हैं कि जब भी आपने डेटा, कोई इंफॉर्मेशन, कोई आइडिया, कोई पिक्चर्स, इस तरह की कोई चीज़ जब आपने शो करनी हो, तो आप कौन सा आपके लिए मोस्ट इफेक्टिव विजुअल होगा जिसको आप यूज. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप यहाँ देखें कि आपके सामने यहाँ डेटा की बहुत सारी टाइप्स दी हुई हैं. ठीक है, जैसे आप देख सकते हैं कि इंडिविजुअल डेटा देना है एग्जैक्ट वैल्यूज़ के साथ, आप देना चाहते हैं वन और मोर वेरिएबल्स के साथ डेटा. ठीक है, आप कंपेयर करना चाहते हैं डेटा को, फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन देना चाहते हैं, कॉम्प्लेक्स डेटा को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, उसके अगेंस्ट कौन सा सबसे इफेक्टिव विजुअल चॉइस होगी या विजुअल मीडियम होगा, आप आराम से इस टेबल को देख के चूज कर सकते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल, आई से कि अगर आप फ्रिक्वेंसी या डिस्ट्रीब्यूशन देना चाहते हैं अपने प्रोजेक्ट में, अपनी रिपोर्ट में, अपनी प्रेजेंटेशन में, तो आप पाई चार्ट का इस्तेमाल करें. ठीक है, आप कंपेयर करना चाहते हैं डेटा, तो आप बार चार्ट, लाइन चार्ट का इस्तेमाल करें, जो कि ट्रेंड्स को या रिलेशनशिप्स को स्टडी करने में सबसे ज़्यादा
इफेक्टिव होते हैं, राइट? तो आपके पास चॉइस होती है फ्रॉम अ लॉट ऑफ मीडियम जिनको आप यूज कर सकते हैं, सो ऑन सो फोर्थ। अगर आप ये लिस्ट देखते हैं एट बिलो, तो इसके आगे भी आपके पास इंफॉर्मेशन दी हुई है कि एक पर्टिकुलर चीज़ को रिप्रेजेंट करने के लिए कौन सा बेस्ट चॉइस हो सकता है विजुअल, वो आप इसमें से चूज कर सकते हैं। वन बाय वन हम इनको स्टडी करेंगे क्या चीज़ें होती हैं, जिसमें सबसे पहली चीज़ हम देखेंगे कि टेबल्स क्या होते हैं। यू आर प्रीटी मच फेमिलियर व्हाट टेबल्स आर, आपको आई एम श्योर इंसर्ट करने आते होंगे ऑन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, उसके अंदर वर्ड है, एक्सेल है, पावर पॉइंट है, इन सब में इट्स वेरी इजी। जब आपके पास ऑप्शन होती है कि आप टैब में इंसर्ट में जाते हैं, तो आप वहाँ जाके टेबल को इंसर्ट कर सकते हैं विद अ स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ रोज एंड कॉलम्स। दिस इज एन एग्जाम्पल फॉर यू जो कि आपके सामने शो हुई हुई है कि यहाँ आपके पास रोज और कॉलम्स जो है वो बनाए हुए हैं, ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन आप कितना कॉन्टेंट को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, राइट? तो ये इस तरीके से आपने रोज बनाई हुई हैं, कॉलम्स बनाए हुए हैं। अगर आपको लगता है कि सब हेडिंग्स हैं जो कि आपको रिप्रेजेंट करनी है, तो आप उनको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जिस तरह कि आप अकाउंटिंग में करते हैं या फाइनेंस में करते हैं, जब आप लेजर्स बना रहे हैं, बैलेंस शीट्स वगैरह बना रहे हैं, तो आप यूज़ कर रहे होते हैं डिफरेंट कॉलम्स एंड रोज, ठीक है, तो उसमें आपकी यू नो मेन हेडिंग्स एंड सब हेडिंग्स होती हैं, तो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरी चीज़ जो आपको टेबल में ख्याल रखना होता है, वो चीज़ ये होती है कि जब आप टेबल ड्रॉ कर रहे हैं, अगर आपको लगता है ऐसी कोई चीज़ है जिसमें टोटलिंग रिक्वायर्ड है, जैसे आप रेवेन्यूज ऊपर शो कर रहे थे, ठीक है, और प्रॉफिट्स शो कर रहे थे, तो हो सकता है आपको टोटल की ज़रूरत हो वहाँ, तो आप टोटल्स को ज़रूर मेंशन करें, क्योंकि वो एक ओवरऑल इमेज शो करता है कि आपका डेटा जो है वो पॉजिटिव है, नेगेटिव है, सेम है, ठीक है। आप उसका ओवरऑल एनालिसिस करने में आपके लिए आसान हो जाता है जब आप टोटल्स का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। वो आपके डेटा सेट पे डिपेंड करेगा कि आपका डेटा सेट कैसा है, और उसके लिहाज से आप जो है वो अपने टेबल को डिवेलप कर सकते हैं और एडजस्ट कर सकते हैं। एक एग्जांपल मैं आपको शो कर रही हूँ, यहाँ अगर आप इस पिक्चर में देखेंगे तो ऊपर जो आपके पास यहाँ दी हुई है एक एग्जाम्पल है इसी तरीके से, जो कि डेटा रिप्रेजेंट किया हुआ है ऑफ रेस्टोरेंट्स, ठीक है। तो यहाँ बताया हुआ है कि पार्टनर्स कौन कौन से हैं, चेन्स कौन सी हैं, लोकेशंस क्या है, कितना रेवेन्यू वो अर्न कर रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से एक टेबल आपके सामने यहाँ रिप्रेजेंट हुआ हुआ है। नाउ इन दिस टेबल्स आप जो भी आप टेबल बनाएंगे उसमें आपने दो तीन चीज़ों को जहन में रखना है जब भी आप टेबल बनाते हैं, एंड यू माइट हैव प्रैक्टिस दिस टू। फर्स्ट चीज़ है कि कॉमन यूनिट्स का आपने इस्तेमाल करना है, ठीक है। अगर आप रेवेन्यू लिख रहे हैं यहाँ, तो और यहाँ रिप्रेजेंट हुआ है कि डॉलर्स और मिलियंस में हो आपका जितना भी यू नो यहाँ आपके पास डेटा है, राइट? सेम यूनिट का इस्तेमाल करें, ये ना हो कि आप करेंसी या कॉस्ट दे रहे हैं, एक डॉलर्स में है, अगली रुपीस में है, अगली पाउंड्स में है, तो वो यूनिट ऑफ एनालिसिस चेंज हो जाता है, ठीक है। तो यू हैव टू कीप द यूनिट सेम, आप कन्वर्ट करके बेशक उसको लिखें, लेकिन सेम यूनिट्स का आपने इस्तेमाल करना है। फिर दूसरी चीज़ आती है कि जैसे यहाँ लोकेशंस का बताया हुआ है, तो आप नंबर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं यहाँ, ठीक है, तो एन यहाँ लिख दिया है, राइट? तो इसी तरह और भी बहुत सारे यूनिट्स हैं, जैसे कि आप यहाँ एग्जांपल में देख सकते हैं कि आप परसेंटेजेस शो कर रहे हैं, क्वांटिटीज शो कर रहे हैं, मे बी टेम्परेचर शो कर रहे हैं, सेल्स शो कर रहे हैं, तो आप सेम यूनिट ऑफ एनालिसिस को लेते हुए और उस टेबल में रिप्रेजेंट करें। दूसरी चीज़ आपकी होती है कि आपके जो भी नंबर्स गिवन हो, ठीक है, अगर आपके डेसिमल में आ रहे हैं कोई नंबर, तो कोशिश करें उनको राउंड ऑफ करते हैं। अगर आपको बहुत ज़्यादा एक्यूरेसी रिक्वायर्ड नहीं है इन अ टेबल, राउंड ऑफ द नंबर्स टू नेक्स्ट फिगर, या अगर वो प्रीवियस फिगर पे आपको लगता है जा सकते हैं 0.5 एंड बिलो, तो आपको उसको प्रीवियस फिगर पे राउंड ऑफ कर देना है, उससे आपके टेबल की रीडेबिलिटी बेहतर हो जाती है, ठीक है। तो ये चीज़ आपने इंश्योर करनी है। अच्छा जी, नेक्स्ट चीज़ आ गई इसके अंदर, जो कि मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, कॉलम्स एंड हेडिंग्स, सब हेडिंग्स का यूज़ करें, एक्स्ट्रा लाइंस वगैरह अगर आपको, उनको यूज़ करें, और एवरेजेस या टोटल्स का इस्तेमाल करें, मैंने अभी आपको पीछे बताया है, ठीक है। एक और चीज़ जो आपको जहन में रखनी है कि जब भी आप टेबल बना रहे हैं, जिस सोर्स से भी आप फैक्ट्स एंड फिगर्स कलेक्ट करें, सोर्स को ज़रूर मेंशन करें। जैसे कि यहाँ आप इस टेबल में देख सकते हैं कि नीचे सोर्स का वर्ड यूज़ किया गया है, और यहाँ सोर्स बता दी है कौन सी सोर्स से या कौन सी रिपोर्ट से जो है ये सारा इंफॉर्मेशन जो है वो उन्होंने कंसाइज किया हुआ है यहाँ, राइट? तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है टेबल्स में कि आप उसकी सोर्स ज़रूर मेंशन करें, ताकि आप एक्नॉलेज करें अगली पार्टी को। ओके जी, नेक्स्ट आपके पास आता है जो सेकेंड टाइप ऑफ विजुअल दैट यू कैन यूज़, इज कॉल्ड एज चार्ट्स।
ठीक है, इसमें दो तरह के चार्ट्स इस्तेमाल होते हैं, एक लाइन चार्ट्स होते हैं और एक सरफेस चार्ट्स होते हैं। ठीक है, लाइन चार्ट्स अगर आप देखेंगे जो कि ट्रेंड्स को स्टडी करने के लिए, आप लोग सारे फेमिलियर होंगे विद दिस काइंड ऑफ चार्ट, जैसे आपके साथ मैंने अभी इस पर क्लिक किया है, राइट। ये आपके पास एक लाइन चार्ट शो रहा है जो कि ट्रेंड को स्टडी कर रहा है। ट्रेंड का मतलब होता है कि फ्रॉम टाइम टू टाइम कैसे चीज़ में चेंज आ रहा है। अगर हम इस फिगर को देखते हैं तो हम देख सकते हैं हमारे पास वाई एक्सिस पे जो है, वाई एक्सिस पे टेम्परेचर दिया हुआ है और हम यहाँ देख सकते हैं एक्स एक्सिस पे टाइम दिया हुआ है, राइट। और उसके लिहाज से देख रहे हैं किस तरीके से ट्रेंड चेंज हो रहा है, किस तरीके से इंक्रीज या डिक्रीज आ रहा है, राइट। और अगर आपके पास दो से ज़्यादा वेरिएबल्स हैं तो डिफरेंट कलर्स से वो चीज़ जो है वो रिफ्लेक्टिव होती जाती है, राइट। तो आप ऑटोमेटिकली ट्रेंड को स्टडी कर सकते हैं बाय अ सिंपल लाइन। ऑन दी अदर हैंड आपके पास होते हैं विजुअल्स में जिसको सरफेस चार्ट्स कहा जाता है, या उसके अलावा इनको एरिया चार्ट्स भी कहते हैं। जो एरिया चार्ट्स या सरफेस चार्ट होते हैं ये आपका कम्युलेटिव इफेक्ट शो करते हैं, ठीक है। अगर आप इस फिगर को जो कि आपके पास एक कलर्ड सा एक 3D मॉडल आपके पास शो हो रहा है, इसको लाइन चार्ट से कंपेयर करते हैं तो आप देख सकते हैं सरफेस चार्ट में ब्रेक्स नहीं है। जैसे आपके लाइन में आप देख सकते हैं आप इंडिविजुअल लाइंस आपको नजर आ रही हैं, ठीक है, आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन आपके सरफेस चार्ट में एक कलेक्टिव या कम्युलेटिव इफेक्ट शो हो रहा होता है, ट्रेंड शो हो रहा है, इंक्रीज या डिक्रीज आ रहा है, लेकिन हर वेरिएबल डिफरेंट कलर से रिप्रेजेंट हो रहा है। जैसे आप यहाँ डिफरेंट कलर्स देख रहे हैं, ये डिफरेंट चीज़ों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं इन दिस केस, राइट। लेकिन द इफेक्ट इज कमुलेटिव, इट्स टोटल इन नंबर, तो आप उसको रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। इट्स वेरी इजी टू यूज लाइन चार्ट्स एंड सरफेस चार्ट फॉर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। आपके पास सिर्फ डेटा अवेलेबल होना चाहिए, वैल्यूज अवेलेबल होनी चाहिए। आप सिंपली जाके वहाँ इंसर्ट करते हैं, वहाँ से सिलेक्ट करते हैं कि आपको किस तरह का चार्ट चाहिए है जो ज़्यादा रिप्रेजेंटेटिव हो, एंड ऑटोमेटिकली आप सिंपली वैल्यूज डालेंगे तो आपका ये चार्ट खुद ही डिज़ाइन हो जाता है, ठीक है। उसके अलावा जो कंपनीज हैं वो डेजिग्नेटेड सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करती हैं जो किस तरह के चार्ट्स को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। प्लीज़ गिव मी अ मिनट, मैं एक सेकेंड आती हूँ, होल्ड कीजिएगा प्लीज़। जी आई एम बैक। ओके, सो दिस इज़ अबाउट लाइन एंड सरफेस चार्ट्स। अब हम देखेंगे थर्ड टाइप जो कि यूज़ होता है एज अ विजुअल मीडियम, जिसको हम कहते हैं बार चार्ट्स। ओके, अब बार चार्ट्स जो सिंपल होते हैं, आपको सिंपल बार चार्ट्स का तो बिल्कुल आइडिया होगा, जिसके अंदर यू कैन वेरी इजीली सी कि आपके पास सिंगल लाइंस बनी हुई होती हैं और आपके पास दो वेरिएबल्स होते हैं ऑन एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, राइट। और वो जो है आपका डेटा रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, शोइंग कितना इंक्रीज या डिक्रीज आ रहा होता है। बट देर इज़ मोर टू इट। बार चार्ट्स हैं वो बहुत सारी तरह के टाइप्स होते हैं, या इंफॉर्मेशन किस तरह की है उसके अगेंस्ट आप किस तरीके का डेटा जो है वो यूज़ कर सकते हैं। ओके, बार चार्ट्स को हम कॉलम चार्ट्स भी कहते हैं। वन बाय वन हम स्टडी करेंगे कि कौन कौन सी टाइप्स हैं और कब आप यूज़ कर सकते हैं।
मैं इसको जूम कर रही हूँ, आप सबसे पहले देख सकते हैं यहाँ आपके पास बार चार्ट जो दिया हुआ है फ्रॉम, अगर कंपेयर करेंगे फ्रॉम सिंपल बार चार्ट तो आपके पास एक ग्रुप्ड बार चार्ट होता है, ठीक है। अब ग्रुप का मतलब ये होता है कि आपकी दो एक्सिस पे डेटा तो रिप्रेजेंट हो रहा है, दो वेरिएबल्स आपने ले लिए हैं वो आपकी एग्जिस्ट कर रहे हैं, लेकिन आप जब कंपैरिजन ऑफ डेटा कर रहे होते हैं, ठीक है, किसी भी तरह का, आप ईयर्स भी हो सकता है, कंपनीज भी हो सकती हैं, सेल्स भी हो सकती हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, आपने उनको यहाँ रिप्रेजेंट कर दिया दो वेरिएबल्स की बेस पे और वो कलर से पता चल रहा होता है कि उनकी स्टैंडिंग क्या है, ठीक है। दिस इज कॉल्ड एज अ ग्रुप बार चार्ट। सेकेंड काइंड ऑफ बार चार्ट इज कॉल्ड एज अ डेविएशन बार चार्ट। डेविएशन बार चार्ट में आपने ये अंडरस्टैंड करना है कि इसमें सबसे पहले आप एक सर्टन पॉइंट ऑफ टाइम पे कोई टारगेट सेट कर लेते हैं, ठीक है, वो टारगेट फिक्स हो जाता है और उसके बाद आप देखते हैं कि उस टारगेट से एक चीज़ उस अरसे में कितनी डेविएट की है। इट कुड बी पॉजिटिव, इट कुड बी नेगेटिव। इन दिस केस अगर मैं आपको बताती हूँ, ये एक की या स्टॉक मार्केट की एग्जाम्पल दी हुई है इस बार चार्ट में। अगर आप देखिए तो यहाँ ये जो थिक में पर्पल बॉक्सेस हैं ये शो कर ये शो कर रहा है एक सर्टन रैकेट, ठीक है, जो कि आपका फिक्स्ड है, राइट। फॉर एग्जांपल आई से कि अगर हम यहाँ देखते हैं, ये हर मंथ का जो है वो डेटा इन्होंने शो किया हुआ है और प्राइस बताई हुई है, वेरिएबल जो दो लिए हैं, ठीक है, दैट मींस मंथ्स एंड द प्राइस। अब उसमें उन्होंने ये शो किया है कि जो ये थिक सा जो बॉक्स है ये बेसिकली शो कर रहा है कि आपके उस मंथ में ओपनिंग प्राइस क्या थी, स्टॉक प्राइस और क्लोजिंग स्टॉक प्राइस क्या थी, ठीक है, दैट मींस डे का एंड या मंथ का एंड या मंथ का स्टार्ट, ठीक है। तो उन्होंने उसको यहाँ कंसिडर कर लिया है, ओपनिंग एंड क्लोजिंग। अब क्योंकि हाँ मंथ को कंसिडर करें तो पूरे मंथ की उन्होंने, मंथ का स्टार्ट जैसे सपोज आई से कि 1 जून को उन्होंने देख ली कि ओपनिंग स्टॉक प्राइस की किस रेट पे हुई। फॉर एग्जाम्पल आई से कि यहाँ $38 पे उन्होंने स्टार्ट कर दिया है, क्लोजिंग कर रहे हैं तो समवेयर अराउंड $47-46 जो है वो आपकी क्लोजिंग हो गई। तो ये पूरी मंथ की उन्होंने एक बता दी है, लेकिन डेली के हिसाब से स्टॉक प्राइस कैसे डेविएट कर रही है फ्रॉम दी यू नो सेगमेंट जो उन्होंने लाइन किया है वो इस पतली पर्पल लाइन से शो हो रहा है, ये डेविएशन शो हो रही है, राइट। सो जब व्हेन यू हैव अ फिक्स्ड वैल्यू और उस फिक्स्ड वैल्यू के अगेंस्ट आप वेरिएबल वैल्यूज को कंपेयर करना चाहते हैं तब आप डेविएशन बार चार्ट्स का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, जैसे कि इस केस में आप देख सकते हैं, राइट। इनको जैसे करेंसी में फ्लक्चुएशंस आती हैं आप उसमें भी यूज कर सकते हैं, स्टॉक प्राइसेस में है, शेयर होल्डिंग्स में हो सकती हैं, तो उस केसेस में आप डेविएशन बार चार्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके जी, थर्ड टाइप ऑफ बार चार्ट इज कॉल्ड एज अ सेगमेंटेड बार चार्ट। सेगमेंटेड बार चार्ट में आपकी एक साइड पे परसेंटेजेस शो होती हैं, जिस तरह के आप यहाँ देख सकते हैं कि आपके पास y एक्सिस पे परसेंटेज छोई हुई 100% तक और x एक्सिस पे टेबल्स हो सकते हैं जिनको आप मैयर करें, जैसे सपोज यहाँ हम कहते हैं कि ये डिफरेंट डिपार्टमेंट शो किए हैं इन्होंने x एक्सिस पे, ठीक है। अब इन डिपार्टमेंट्स में आप थर्ड चीज जो मैयर कर रहे हैं वो आपकी यहाँ की में बताएंगे, जो कि आप कलर देख सकते हैं डिफरेंट बॉक्सेस और उनकी हर किसी का बॉक्स का साइज डिफरेंट है, ये बेसिकली परसेंटेज वेरी कर रहा है, ठीक है, ये थर्ड इसके अंदर वेरिएबल एक्ट कर रहा है, राइट। तो अब इसके अंदर जैसे वो कह रहे हैं कि हर डिपार्टमेंट में देखा जा रहा है कम्युनिकेशन किस बेस पे हो रही है, जैसे कि इंस्टेंट मैसेजिंग पे, ईमेल, टेलीफोन, टेक्स्ट मैसेज पे, ये डिफरेंट परसेंटेजेस शो हो गई हैं जिससे पता चल रहा है कि आपके डिफरेंट सेगमेंट्स किस तरीके से एक्ट कर रहे हैं, राइट। सेगमेंटेड बार चार्ट इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ स्टैक्ड बार चार्ट। उसका रीजन ये होता है कि आपने वन ऑन द अदर जो है अपने
डेटा को प्लेस किया होता है, ठीक है। तो पूरा अगर हम देखते हैं कम्युनिकेशन इन सेल्स डिपार्टमेंट 100% तक, तो हम उसमें देख रहे हैं कि आपका यू नो मे बी 8% तक जो है वो इंस्टेंट मैसेजिंग इस्तेमाल की जा रही है, फिर उसके अलावा सो ऑन सो फोर्थ, आपकी परसेंटेजेस वेरी कर रही है, ठीक है। पाई चार्ट भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, इसका पाई चार्ट भी आप बना सकते हैं, लेकिन पाई चार्ट में फिर आप एट अ सिंगल पॉइंट ऑफ टाइम आप डिफरेंट डिपार्टमेंट्स को या डिफरेंट चीज़ों को कंसिडर नहीं कर सकते। फिर आप विद इन सेल्स तो एक चीज़ का पाई चार्ट बना सकते हैं, इंजीनियरिंग का अलग पाई चार्ट बनेगा, एडमिन का अलग पाई चार्ट बनेगा, दैट मीन्स यू आर एडिंग अप टू द डेटा। अगर आप चाहते हैं कि एक ही जगह ये सेगमेंट्स को रिप्रेजेंट करें, तो आपने एक स्टैक बार चार्ट का इस्तेमाल करना है इस केस में। ओके जी, नेक्स्ट काइंड ऑफ बार चार्ट इज कॉल्ड एज कम्युनिकेशन चार्ट, बार चार्ट या लाइन चार्ट, जब आप उसका मिक्सचर इस्तेमाल कर रहे होते हैं, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको बताया, बार चार्ट जो है वो आपकी फ्लक्चुएशंस बताता है, एंड वेयर इज लाइन चार्ट आपकी ट्रेंड स्टडी को स्टडी करने में हेल्प करता है, राइट। तो जब आप इसका कॉम्बिनेशन यूज कर रहे होते हैं, तो वो आपका कॉम्बिनेशन बार चार्ट जो है उसको हम कहते हैं, ठीक है। तो आप डिफरेंट इंटरवल्स पे देख सकते हैं कि आप यहाँ इस फिगर में देखें, तो आप बार चार्ट से विजुअली कंपेयर तो कर सकते हैं, लेकिन समटाइम्स वो इतनी क्लोज बाय वैल्यूज होती हैं कि आपको समझ नहीं आता कि कितना ज़्यादा डेविएशन आ रहा है। तो उस केस में आप लाइन चार्ट का इस्तेमाल करते हुए उस ट्रेंड को स्टडी कर सकते हैं। द लास्ट काइंड ऑफ बार चार्ट इज कॉल्ड एज अ पेयर्ड बाय चार्ट, पेयर्ड बार चार्ट। पेयर्ड बार चार्ट में आप जो है अमूमन दो वेरिएबल्स का इस्तेमाल किया जाता है और उसको स्टडी किया जा रहा होता है। जैसे कि आपके सामने यह एग्जाम्पल दी हुई है ऑफ दी ऑफ अ कॉन्फ्रेंस, जिसमें मेन एंड वुमेन की रेशो को उन्होंने स्टडी करना है, और उस रेशो में आपने ये देखना है कि आपके डिफरेंट एरियाज, जैसे यहाँ डिफरेंट सिटीज़ बताए हुए हैं, तो इन डिफरेंट सिटीज़ में जो कॉन्फ्रेंसेज हुई उसमें वुमेन अटेंडेंस कितनी थी और मेन की अटेंडेंस कितनी थी, ठीक है। तो जब आप साइड बाय साइड डेटा को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, आपका डेटा जो है वो दो वेरिएबल्स की बेस पे है, और आप परसेंटेजेस की फॉर्म में शो कर रहे हैं या नंबर्स की फॉर्म में शो करना चाहते हैं, तो आप पेयर्ड बार चार्ट का इस्तेमाल करके इस चीज़ को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। इस केस में पेयर्ड बार चार्ट के साथ आप ग्रुप बार चार्ट भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर आप ज़्यादा कंटेम्प्रेरी अप्रोचेस की तरफ जाएं, तो इट वुड बी प्रेफरेबल कि आप जो है वो पेयर्ड बार चार्ट का इस्तेमाल करें। ओके जी, बार चार्ट की एक्सटेंशन में के और किस तरह के बार चार्ट जो हैं, जैसा ये तो एक टिपिकल मैंने आपको डेटा बताए हैं कि जब आपके पास वैल्यूज़ या नंबर्स की फॉर्म में डेटा अवेलेबल है, तो आप इन पांच में से या छह में से कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बार चार्ट रिप्रेजेंटेटिव एंड एक्सप्लेनेटरी बना सकते हैं। इसके अलावा बार चार्ट के ऑल्टरनेट्स होते हैं, जिसको हम सबसे पहले कहते हैं पिक्टोग्राम्स। पिक्टोग्राम्स होते हैं जिसमें आप कोई पिक्चर्स या सिम्बल्स का इस्तेमाल करके अपने डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं, और अमूमन पिक्टोग्राम्स इस्तेमाल किए जाते हैं जहाँ लोग सर्वेस कंडक्ट कर रहे होते हैं, ठीक है, या कोई कैंपेन्स वगैरह में इस्तेमाल कर रहे होते हैं, क्योंकि वो ज़्यादा रिप्रेजेंटेटिव हो रहा होता है आपका डाटा। जैसे कि आप इस केस में देख सकते हैं, यहाँ पॉपुलेशन ऑफ यूके उन्होंने रिप्रेजेंट की हुई है, ठीक है। पॉपुलेशन ऑफ यूके में आप देख सकते हैं यहाँ नीचे की बना दिया उन्होंने, की में उन्होंने बताया कि आपका जो आइकन ऑफ रिप्रेजेंटेशन है, जो सिंबल यूज़ कर रहे हैं, वो एक फिगर यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, ह्यूमन फिगर का इस्तेमाल किया है, ये एक सिंबल है। अब जो अनकलर्ड रेड है वो इंग्लैंड को रिप्रेजेंट कर रहा है, ब्लू स्कॉटलैंड को, रेड वेल्स को, और येलो नॉर्दर्न आयरलैंड को, राइट। अब पॉपुलेशन ऑफ यूके को स्टडी करने के लिए उन्होंने एक सिंगल बंदे का मतलब है 1 मिलियन ब्रिटिश पीपल, ठीक है, दैट मीन्स यूके ओवरऑल, ठीक है। तो यूके ओवरऑल में एक सिंगल पर्सन जो है ये 1 मिलियन पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। नाउ इफ यू सी, यहाँ इतने सारे जो ये बताए हुए हैं, ये 1 मिलियन, 2 मिलियन एंड सो ऑन सो फॉर, जितने भी ये फिगर्स बन रहे हैं, ये आपके उतने मिलियन ऑफ पीपल फ्रॉम इंग्लैंड बिलोंग करते हैं इन यूके, ठीक है। उसके अलावा यूके में स्कॉटिश लोग कितने हैं, ठीक है, वो ब्लू से रिप्रेजेंट किया जा रहा है, राइट। इफ यू सी, यहाँ हमारे पास 3/4 हम देख सकते हैं, यहाँ रेड आर्म जो है ये ब्रिटिश को शो, इंग्लैंड को शो कर रहा है, ठीक है।
उसके अलावा स्कॉटिश हम देखते हैं तो यहाँ हाफ शो कर रहा है, तो ये आपने काउंट कर लेने हैं कि कितने स्कॉटिश हैं, वेल्स के कितने हैं, नॉर्दर्न आयरलैंड के कितने हैं। तो ये ओवरऑल यूके की पॉपुलेशन बेस्ड अपॉन द 3-4 आइलैंड जो वहाँ एग्जिस्ट करते हैं उसके हिसाब से उन्होंने पिक्टोग्राम में सिंबल्स का इस्तेमाल करते हुए उस चीज़ को रिप्रेजेंट किया है। पिक्टोग्राम्स के अलावा जो एक ऑल्टरनेट होती है बार चार्ट की, उसको गैंट चार्ट भी कहते हैं। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में गैंट चार्ट इज हेविली यूज, कि जब भी आप कोई प्रोजेक्ट इनिशिएट करते हैं, प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट, उसके लिए इस तरह के चार्ट का जो फिगर आपके सामने उसका इस्तेमाल किया जाता है। गैंट चार्ट अमूमन जैसे कि कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स होते हैं, ठीक है, या कोई और लंबे ड्यूरेशन के लिए जो प्रोजेक्ट्स हैं उनके लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसके अंदर 3 से 4 चीज़ों को यूज़ किया जाता है। सबसे पहली चीज़ होती है कि आपके टारगेट्स क्या हैं, ठीक है, आपने क्या चीज़ अचीव करनी है। सेकंड चीज़ होती है कि उसमें आपको मंथ्स या डेट्स डिफाइंड होती हैं कि इतने टाइम में आपने कौन सा टारगेट अचीव करना है। एंड थर्ड चीज़ होती है कि कितनी कॉस्ट इन्वॉल्व हो सकती है उस चीज़ को अचीव करने के लिए, ठीक है। तो इस तरीके से ये आपका आप देख सकते हैं, यहाँ स्टेप डाउन और स्टेप अप करके ये सारा फिगर बना होता है। गैंट चार्ट आर नॉर्मली मेड दिस वे, ठीक है, कि आप अपने टारगेट्स जो हैं वो देख रहे होते हैं कि आपके उस मंथ के लिहाज से किस तरीके से अचीव हो रहे होते हैं, डिफरेंट टीम्स जो हैं उनको अचीव करने में हेल्प कर रही होती हैं। गैंट चार्ट आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड भी बना सकते हैं, लेकिन जनरली कंपनीज यूज प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर टू डिवेलप गैंट चार्ट ताकि वो ज़्यादा इफेक्टिवली और ज़्यादा बड़े स्केल पर डिज़ाइन किए जा सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज जो है आप इसको स्मॉलर स्केल के लिए एज सच यूज नहीं करते गैंट चार्ट। ओके जी, नेक्स्ट हमारे पास जो विजुअल इम्प्रेशन है, दीज आर कॉल्ड एज डायग्राम्स। देयर आर टू काइंड ऑफ। जी मैम, इतना बहुत है ना, आज फर्स्ट क्लास है, सब इतना फर्स्ट डे के लिए बहुत है ना। यस मैम, दो स्लाइड्स रह गई, खत्म करके करेंगे। मैम मिक्स अप हो जाएगा सब। ओके, डायग्राम्स में हमारे पास दो तरह की डायग्राम्स होती हैं, एक स्कैटर डायग्राम होती है और एक बबल डायग्राम होती है। स्कैटर डायग्राम आप लोगों ने कॉमनली पहले भी पढ़ी होगी इंटरमीडिएट और मैट्रिक, कि जब आपके पास डिफरेंट वैल्यूज दी होती हैं तो आपके उस ग्राफ में अगर हम इस लाइन को हटा दें तो डिफरेंट यू नो इस तरह डॉट्स बन जाते हैं, ठीक है, और फिर आप एक बेस्ट फिट लाइन बनाते हैं टू शो कि कितनी चीज़ें नॉर्मेलिटी पे लाए कर रही हैं, ठीक है। स्कैटर डायग्राम को एक्स वाई डायग्राम भी कहते हैं, स्कैटर प्लॉट भी कहते हैं, ठीक है। तो आपने देखना होता है कि बेस्ट फिट जो है उसके ऊपर क्या फॉल कर रहा है, और वट एवर डॉट्स आर फॉलिंग अबव दैट लाइन और बिलो दैट लाइन आर इग्नोर्ड, या वो हम कहते हैं कि वो हमारी रेंज से बाहर फॉल कर रही है, ठीक है। तो ये सेल्स में कंपनीज को कंपेयर करने के लिए, एम्प्लॉयज़ को कंपेयर करने के लिए, हायरिंग फायरिंग के लिए इस चीज़ का इस्तेमाल किया जाता है जब आप स्कैटर डायग्राम का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। ऑन दी अदर हैंड बबल डायग्राम्स जो हैं ये जनरली कंपेटिटर्स के लिए यूज़ की जाती हैं। मल्टीपल पर्पस हो सकते हैं इसके, लेकिन जनरली कंपैरिजन किया जाता है जब कंपनीज को कंपेयर करना हो आपस में। दिस बेसिकली बबल डायग्राम कंप्राइज ऑफ 3 वेरिएबल्स, ठीक है, दो आपके एक्सिस पे होते हैं, एक वाई एक्सिस पे, एक एक्स एक्सिस पे, और तीसरा इस बबल का साइज होता है जो कि ये बन रहा होता है। नाउ दिस आर ऑल ऑटोमेटिक एज वेल, जब आप इंसर्ट करते हैं तो उसमें आपके पास बबल डायग्राम की ऑप्शन होती है, आपने सिंपली वैल्यूज इंसर्ट करनी होती है और आपके पास
डिज़ाइन होना शुरू हो जाते हैं। सो ये बबल का साइज बेसिकली रिप्रेजेंट करता है कितनी, मतलब चीज़ जो थर्ड वेरिएबल जैसे इस केस में सेल्स है, तो जितनी ज़्यादा सेल्स है उतना बड़ा वो बबल शो हो रहा होता है, ठीक है। तो वो ऑटोमेटिकली शो कर देता है कि जब आप उस फिगर को रीड करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि दिस कंपनी हैज़ मोर सेल्स देन दी अदर वन, क्योंकि उसका बबल का साइज बड़ा रिप्रेजेंटेटिव होता है। तो आप बबल डायग्राम जो है वो यूज कर सकते हैं। सेकेंड लास्ट चीज़ पाई चार्ट्स जो हैं, ये एक सर्टन चीज़ को कंसिडर करते हैं जिसके अंदर आप परसेंटेजेस का इस्तेमाल करते हुए इस तरीके से जो है वो आपकी फिगर बनती है, ठीक है। उसमें डिफरेंट परसेंटेजेस शो हो रही होती हैं और वेरियस थिंग्स, जैसे कि आप सेल्स बता रहे हैं, ठीक है, तो सेल्स किस किस प्रोडक्ट की मे बी आपने शो की, तो वो आप करते हैं डिफरेंट कलर्स से और डिफरेंट सेगमेंट्स और डिफरेंट रेशियोज़ बन रहे होते हैं, तो उससे आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि किसका परसेंटेज सबसे ज़्यादा है, किसका सबसे कम है। लेकिन पाई चार्ट्स जो हैं, इवन तो रिपोर्ट्स में स्टूडेंट्स भी और कंपनीज भी बहुत फ्रिक्वेंसी से पाई चार्ट्स का इस्तेमाल करती हैं, लेकिन पाई चार्ट्स आर नॉट एन इफेक्टिव मीडियम ऑफ रिप्रेजेंटेशन जितने के बार चार्ट्स होते हैं। सो बिजनेस रिपोर्ट्स में जब भी आप इस्तेमाल करें, कोशिश करें कि बार चार्ट्स का इस्तेमाल करें या कोई और भी टाइप ऑफ विजुअल्स का इस्तेमाल करें, पाई चार्ट्स एट मैक्सिमम इस्तेमाल ना करें। इवन दो दे आर वेरी ईजी टू डिज़ाइन, बट इतनी अंडरस्टैंडेबिलिटी इनसे नहीं क्रिएट होती। लास्ट चीज जो आज हम पढ़ेंगे, दैट इज कॉल्ड एज डेटा विजुलाइजेशन। डेटा विजुलाइजेशन इज यूज व्हेन वेरी वेरी एक्सटेंसिव डेटा। आपने एक टर्म अगर सुनी हो बिग डेटा जिसको कहते हैं, बिग डेटा इज बेसिकली जिन कंपनीज के पास मिलियंस में डेटा होता है अवेलेबल, ठीक है, और उसको उन्होंने प्रोसेस करना होता है, एनालिसिस करना होता है, जैसे कि रिसर्च कंपनीज यूज़ करती हैं, वो डेटा विजुलाइजेशन का इस्तेमाल करती हैं। अगर आप इस फिगर में देख सकते हैं, ये डेटा विजुलाइजेशन शो की हुई है कि आपके पास सिंपल एक एनालिसिस में बार चार्ट भी आ रहा है, स्कैटर प्लॉट भी आ रहा है, बबल डायग्राम भी आ रही है, 3D स्कैटर प्लॉट्स भी आ रहे हैं, ठीक, कलर इंप्रेशंस, एवरीथिंग इज अवेलेबल, राइट। ये डिफरेंट टेक्निकल सॉफ्टवेयर्स होते हैं, आप ओवर द टाइम डेटा इंसर्ट करते जाते हैं, और जब भी आपको रिट्रीव करनी हो कोई इंफॉर्मेशन एनालिसिस के लिए, तो आप सिंपली कमांड्स देके और इस तरह का डेटा जो है वो उनसे रिट्रीव कर सकते हैं फ्रॉम दोस सॉफ्टवेयर्स, राइट। तो इस तरीके विजुलाइजेशन का इस्तेमाल किया जाता है। इसको हम ऑब्वियसली सिंपल सॉफ्टवेयर्स लाइक माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पे इस्तेमाल नहीं कर सकते, इसके लिए स्पेशलाइज सॉफ्टवेयर्स कंपनीज लाइसेंस सॉफ्टवेयर्स देती हैं जो कि वो यूज़ करके इस तरह के ओवरऑल इम्प्रेशन जो है उसको क्रिएट कर रही होती हैं फॉर डेटा एनालिसिस, राइट। सो दिस इज इट फॉर टुडे। इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस फ्रॉम दिस चैप्टर यू कैन आस्क नाउ।